अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स। तो आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो सवाल नंबर 2 है, जो कि बड़ा ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसको समझेंगे। आइए स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये थ्योरम इसको बोलते हैं, उर्दू कहते हैं मसला तरकीबो तफसील का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है इसके जरिए या इसकी हेल्प से। तो अगर हम जो वैल्यू निकालनी है उसमें देखें तो एक्स तो इधर भी है, लेकिन एक्स के साथ फर्स्ट जो फैक्टर ढूंढना है उसमें साथ लिखा हुआ है 2y। मेरे पास जिसकी हेल्प से मैंने रिजल्ट निकालना है उसमें भी 2y नजर नहीं आ रहा, लेकिन वाई नजर आ रहा है। लेकिन साथ एक नंबर था 4। अगर मैं 4 को फैक्टराइज करूं तो 4 के बनेंगे 2 2 4, मतलब 2 2 2 2, तो 2 दफा 2 आ रहे हैं। तो मुझे वाई के साथ 2 चाहिए, लेकिन इसके 2 दफा 2 आ रहे हैं। तो हम ये काम करेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा 2y मल्टीप्लाई 2z, और नीचे आ जाएगा y+z। अब इधर से मुझे 2y चाहिए पहले अमाउंट के लिए, फिर 2z भी चाहिए अगले अमाउंट के लिए। तो सबसे पहले हम 2y अलग करते हैं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई 2z के साथ लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा एक्स ओवर 2y इक्वल में है 2z ओवर y+z। अभी तक हमने इतनी सी वैल्यू अलग की है, अब हम आगे थ्योरम यूज करते हैं। वो थ्योरम है मसला तरकीबो तफसील, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जो ऊपर वाली अमाउंट है आपने उसको 2 दफा ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिख देना है। नीचे वाला नंबर ऊपर जाकर प्लस होगा तो ये बन जाएगा 2y, नीचे यही नंबर क्या हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -2y। 2z ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी 2z लिख दिया, नीचे वाली अमाउंट ऊपर प्लस होगी तो प्लस में आ जाएगा y+z, नीचे यही अमाउंट माइनस होगी तो y-z आ जाएगा। लेफ्ट वाले को हम फर्दर हल नहीं करेंगे ये, क्योंकि हमें रिक्वायर है वैल्यू। 2z+z ये मिलके हो जाएगा 3z+y/2z, में से जी गया तो जी बचा और साथ माइनस का वाई। तो ये मैंने एक वैल्यू निकाल दी है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या देता हूँ 1। अब हम फर्स्ट पार्ट जो वैल्यू थी वो निकाल दी, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ x+2z, तो यहाँ से हम 2z को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा x/2z इक्वल में आ जाएगा 2y/y+z। अब इस पे हम रूल लगाएंगे, थ्योरम जो उसने सवाल में लिखा हुआ है तो थ्योरम लगाना है, ऊपर वाली अमाउंट को 2 दफा लिख देना है ऊपर भी और नीचे भी, ये ऊपर जाके प्लस होगा तो ये बन जाएगा 2z, नीचे यही अमाउंट माइनस तो 2z माइनस में 2y, ऊपर भी लिख दिया इसी को नीचे लिख दिया, नीचे वाली अमाउंट पहले ऊपर प्लस होगी तो y+z, नीचे यही अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो क्या बनेगा माइनस करने से साइन चेंज कर देते हैं, 2y+y ये मिलके हो जाएगा 3y+z और नीचे आ जाएगा 2y-y y-z। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। तो दोनों जो रिजल्ट्स थे वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगला मेरा टारगेट ये होगा कि दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम प्लस करेंगे, उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर मेंशन करना है इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये लिखी हुई है x+2y/x-2y+। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड ये लिखी हुई है, इनको आपस में प्लस करते हैं x+2z/x-2z। अब फर्स्ट पे लेफ्ट हैंड साइड 1 की है तो उसकी जाकर राइट साइड क्या लिखी हुई है जी, 3z+y, नीचे आ जाएगा z-y+। इसकी राइट साइड देखे तो लिखा हुआ है 3y+z और नीचे लिखा हुआ है y-z। तो इनको प्लस कर दिए, अब ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे और एलसीएम करने के लिए हमें चेक करना है जो नीचे वाली अमाउंट है क्या वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो एलसीएम करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अभी दोनों सेम हो सकती हैं कैसे, अगर हम इनमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लें। तो हम माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, 3z+y/z-y, माइनस कॉमन निकाल लिया 3y+z। जब इसमें से माइनस कॉमन आने तो दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा z-y।
आगे इसका एलसीएम आप इजी हो जाएगा, नीचे वाले नंबर सेम है तो हमने एक दफा लिखना है, ऊपर जैसा भी लिखा हुआ है 3z+y -3y और -z, इस माइनस ने इन दोनों के साइन जो है वो चेंज कर देंगे, तो 3z में से z गया तो बाकी बच जाएगा 2z, 3y में से y गया तो +2y, नीचे आ जाएगा z -y, 2 कॉमन ले सकते हैं z+y और नीचे क्या आ जाएगा z -y। तो यही हमारा रिजल्ट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो इसका सेकंड पार्ट है, स्टेटमेंट यही है लेकिन उसने जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट मांग लिए हैं, तो उसको भी हमने ऐसे ही करना जैसे हमने इस पार्ट में किया है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं जी, सेकंड पार्ट में लिखा होगा फाइंड वैल्यू ऑफ m+5n ओवर m-5n +m+5p ओवर m-5p, और उसने m कितना दिया हुआ हमें, m लिखा हुआ है 10np ओवर n+p। तो अब साथ एक नंबर था 10, तो 10 के फैक्टर बनेंगे 5 × 2। अब जो इसका पहले वाले पार्ट में जो अमाउंट निकालना है इसमें 5 के साथ n लिखा हुआ है, तो 10 के दो फैक्टर हैं 2, 5 और 2, जो 5 है वो हम n के साथ लगाएंगे, 2 लगा देंगे p के साथ, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलेगा m बराबर आ जाएगा 5n × 2p ओवर n+p। तो 5n राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा m ओवर 5n 2p ओवर n+p। इस पे हम लगाएंगे थ्योरम, तो m+5n ओवर m-5n जो उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, 2p ओवर 2p +n+p - n और साथ -p, तो 2p+p ये मिलके हो जाएगा 3p+n, नीचे आ जाएगा 2p-p -n, तो लेफ्ट हैंड पे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब 2 के लिए हम इसी को दोबारा करेंगे इस्तेमाल, लेकिन हमने जो नंबर 2 और 5 इनको रिप्लेस कर दिया, जगह चेंज कर देनी है, तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा m बराबर आ जाएगा 2n and 5p ओवर n+p। आगे इस पे थ्योरम लगाते हैं जी, बल्कि तो इसको चेंज करते हैं 5 ओवर m ओवर 5p 2n ओवर n+p। अब थ्योरम यूज करेंगे m+5p ओवर m-5p 2n+n+p ओवर 2n-n और साथ -p, नीचे वाली अमाउंट के साइन चेंज करने होते हैं, तो 2n+n ये बन गया 3n+p ओवर n-p, 2n में से n गया तो n बचा, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब दोनों को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को प्लस करने के लेफ्ट साइड में ऐड होगी राइट साइड में, तो मैं डायरेक्ट राइट साइड को ऐड कर रहा हूँ, 3p+n ओवर p-n +3n+p ओवर n-p। अब भी हम माइनस कॉमन निकाल के साइन ये वैल्यू सेम कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे करेंगे हम 3p+n ओवर p-n -3n+p p-n, तो माइनस कॉमन निकालने से साइन भी चेंज हो गए हैं और साथ में इनको रिप्लेस जगह भी चेंज कर दी है। आगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम में आ जाएगा p-n 3p+n -3n और माइनस का p, तो इस माइनस ने जो दोनों अमाउंट इनका साइन चेंज कर दी है, तो 3p में से p गया तो 2p, 3n में से n गया तो -2n, नीचे आ जाएगा p-n, दोनों ऊपर में से 2 कॉमन तो p-n, नीचे भी क्या आ गया p-n, p-n से कट गया तो बाकी बचा हमारे पास 2, और इस तरीके से 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है, थोड़ा सा जस्ट ध्यान रखना है, कोई गलती किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। आगे जो क्वेश्चन नंबर इसका 3, 4 और 5 है, तीनों सेम है तो इनमें से कम मैं एक आधा पार्ट लाजमी करूंगा, सो दैट कि आपको हल करते हुए कोई प्रॉब्लम ना बने। तो अब मैं अमाउंट लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 की,
फाइंड करना है हमने एक्स माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए को माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी इफ एक्स बराबर है 12 ए बी ओवर ए माइनस बी। तो 12 के फैक्टर बनते हैं 6 2s are 12, तो एक्स बराबर आ जाएगा 6a multiply 2b ओवर ए माइनस बी। तो 6 से लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया, उधर बचेगा 2b ओवर ए माइनस बी। इस पे थे रूल लगाते हैं एक्स प्लस सिक्स ए ओवर एक्स माइनस सिक्स ए 2b+a-b ओवर 2b-a और प्लस का b। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर, 2b में से b गया तो प्लस का b बचा, 2b+b मिलकर हो जाएगा बच्चों 3b, और साथ क्या आ जाएगा माइनस का a आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट कर दिया है। अब सेकंड निकालने के लिए हम इन जो नंबर्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे आपस में, एक्स बराबर आ जाएगा 2a और साथ आ जाएगा 6 6b ओवर में आ गया a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे थ्योरम लगाएंगे, बल्कि पहले सिंपली 6b इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ओवर 6b बराबर आ जाएगा 2a ओवर a माइनस बी। आप यूज करेंगे थ्योरम एक्स ओवर एक्स प्लस 6b माइनस 6b, इधर से आ जाएगा 2a ओवर 2a प्लस a माइनस बी माइनस a और प्लस b, साइन नीचे वाले चेंज हो गए, तो 2a प्लस a मिलके हो गया 3a माइनस b ओवर a प्लस b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर आप 1 में देखें तो 1 में गड़बड़ है, जो हमने रिजल्ट ढूंढ रहे हैं उसमें x माइनस 6 नीचे है इधर और यहाँ पे ऊपर है, तो जब हम दोनों को करेंगे ना माइनस, तो हमने इसको रिवर्स कर देना है, तो रिवर्स कर देता हूँ अभी, एक्स माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी इक्वल, इसकी जो कीमत है उसको रिवर्स करके लिखने लगा, ये बनेगा 3b-a ओवर a प्लस बी माइनस 3a-b ओवर a प्लस डी। तो दो फ्रैक्शन हैं, दोनों का एलसीएम करते हैं, एलसीएम में नीचे आ जाएगा a प्लस बी, तो नीचे वाले नंबर सेम है, तो एलसीएम के लिए सिंपल एक दफा लिखने, ऊपर जैसे भी लिखे हुए हैं वैसे ही आ जाएंगे, ये बनेगा 3b-a माइनस 3a+ का बी। तो 3b+b ये मिलके हो गया 4b-4a ओवर a प्लस बी, 4 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं, यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से हल होने वाले हैं। तो आगे हम इसका जो क्वेश्चन नंबर है जी 6th पार्ट 7th 8th पार्ट और 9th पार्ट इनको अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इससे भी आसान है, इसमें तो अलग करना पड़ता है, इसमें अलग 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 कोई सीन नहीं है, हमने डायरेक्ट क्या करना है इस पे थ्योरम अप्लाई कर देने। तो नंबर 6, तो 6th पार्ट में जो अमाउंट लिखी हुई है एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इधर है 12/13। तो इसमें हमने डायरेक्ट थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो जो अमाउंट ऊपर लिखी हुई है वो हमने ऊपर भी लिख देनी है और नीचे भी ऐसे ही लिख देनी है। अब नीचे वाले जो अमाउंट है ये पहले ऊपर जाकर प्लस होगी, तो प्लस में एक्स माइनस 2 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 4 का स्केयर, नीचे यही अमाउंट साइन चेंज करके लिखी जाएगी, तो यही थ्योरम राइट पे भी लगाना है, 12+13 12-13 एक्स प्लस 4 ये कट गया, एक्स माइनस 2 प्लस में है ये माइनस में कट गया, एक दफा ये लिखा होगा ये भी एक दफा है, दोनों मिलके हो जाएंगे दो दफा, तो 2 × x-2 का स्क्वेयर ओवर -2 × x-4 का स्क्वेयर, 12+13 ये 25 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, माइनस माइनस से कट गया, 2 2 से कट गया, और बाकी मेरे पास बचेगा x-2 over x-4, इनकी मैंने पावर इकट्ठी कर दी है, मतलब स्केल जब दो नंबर डिवाइड हो पावर सेम हो तो पावर इकट्ठी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर इकट्ठी हो सकती है,
अब ये स्केयर मैंने करना है खत्म, तो उस काम के लिए मुझे दोनों तरफ स्केयर रूट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, ये कट गया, एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस फोर बराबर में आ गया प्लस माइनस फाइव। आगे ये दो सवाल बन गए हैं, एक दफा प्लस में होगा और एक दफा माइनस में। तो एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस फोर बराबर एक दफा प्लस का फाइव, एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस फोर एक दफा आ गया ये माइनस का फाइव। तो लेफ्ट हैंड पे एक्स माइनस फोर डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट पे आएगा तो फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा फाइव इंटू एक्स माइनस फोर बराबर में है एक्स माइनस टू। फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी, फाइव फोर ट्वेंटी एक्स माइनस टू, एक्स वाले अलग करेंगे, फाइव एक्स माइनस एक्स बराबर है माइनस टू प्लस ट्वेंटी। जब हम ट्वेंटी में से टू निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एटीन। फाइव एक्स में से एक्स किया तो फोर एक्स बराबर है जी अट्ठारह। तो आप जो एटीन है फोर लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा एटीन ओवर फोर। तो टू नाइन जार एटीन, टू टू जार फोर, एक वैल्यू हमें एक्स की मिल गई। तो राइट पे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस टू बराबर में आ जाएगा माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर। तो ये माइनस फाइव अगर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस फाइव एक्स प्लस फोर फाइव या ट्वेंटी। इधर लिखा है एक्स माइनस टू, एक्स वाली वैल्यू अलग हो जाएगी, एक्स प्लस फाइव एक्स ट्वेंटी प्लस टू, इसे करेंगे हम तो सिक्स एक्स बन जाएगा बच्चों। ट्वेंटी प्लस टू ये बन जाएगा ट्वेंटी टू, एक्स बराबर ट्वेंटी टू ओवर सिक्स कटेंगे इलेवन ओवर थ्री। तो ये हमारा इस तरीके से क्या होगा जी आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन उससे इजी है, जस्ट आपने साइन का खास ख्याल रखना जब इसको चेंज कर रहे हो। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, उसमें भी हमने डायरेक्ट ये थ्योरम का इस्तेमाल करना है और अपना जो आंसर है उस आंसर को हमने कैलकुलेट कर देना है। तो आइए इसका सेवंथ पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं, समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल में है लिखा होगा टू। तो थ्योरम रूल लगाने के लिए नीचे कम से कम एक नंबर फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो नीचे हम यहाँ पे खुद से वन लगा लेते हैं। आगे थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऊपर भी लिख दी यही अमाउंट, यही अमाउंट हम लिख देनी है एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये ऊपर नंबर प्लस होगा तो प्लस में जो साइन है ना वो चेंज नहीं होते, और जब यही नंबर नीचे लिखा जाएगा तो इसके जो बाहर वाले साइन है वो हमने चेंज कर देने हैं, अंदर वाले साइन क्योंकि पावर है वो चेंज नहीं करने। इधर से आ जाएगा टू प्लस वन टू माइनस वन, ये काट गया एक दफा, ये लिखा हुआ ये भी एक दफा है, ये बनेगा टू टाइम एक्स स्क्वायर प्लस टू उसका स्क्वायर रूट, ये भी बन जाएगा टू टाइम एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर रूट। टू प्लस वन थ्री, नीचे वन वन लिखते नहीं है, दो नंबर डिवाइड है पावर दोनों की सेम है तो पावर इकट्ठी कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इकट्ठा स्क्वायर रूट का इधर थ्री है। अब लेफ्ट हैंड से हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है तो उसके लिए दो तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा तरफेन का मुरब्बा लेने से, ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर आ जाएगा नाइन। थ्री का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, नाइन होता है। तो नीचे खुद से लगाते हैं वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन दोनों से मल्टीप्लाई होके बनेगा नाइन एक्स का स्क्वायर माइनस का एटीन बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का टू। एक्स वालों को अलग करेंगे बाकी अलग करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस एटीन, तो नाइन में से वन गया तो एट एक्स स्क्वायर, एटीन प्लस टू ये बन गया ट्वेंटी। एक्स स्क्वायर अलग किया ट्वेंटी ओवर एट कटिंग की तो फोर फाइव जार ट्वेंटी, फोर टू जार एट, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट फाइव बाय टू स्क्वायर रूट, एक्स कट गया स्क्वायर स्क्वायर रूट से प्लस माइनस फाइव बाय टू, इसको हम हल नहीं कर सकते और यही हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। तो ये हमने सिक्स पार्ट अटेम्प्ट किया है। आगे जो इसका ये सेवंथ पार्ट था, सॉरी आगे इसका एट पार्ट भी ऐसी है, मैं इसका लास्ट वाला पार्ट जो है पार्ट नंबर नाइन उसको अटेम्प्ट करते हैं। उस पे पावर थ्री है जो इसका सेवन एट वाला पार्ट भी स्केयर रूट ही है। तो नंबर नाइन है इसका हमारे पास जी, एक्स प्लस फाइव ऊपर क्यूब है माइनस
एक्स माइनस थ्री ऊपर क्यूब, इधर नीचे आ जाएगा एक्स प्लस फाइव क्यूब प्लस एक्स माइनस थ्री क्यूब बराबर में है 13/14। तो रूल लगाते हैं, ऊपर इनको पहले प्लस करेंगे एक्स प्लस फाइव क्यूब माइनस एक्स माइनस थ्री क्यूब, नीचे भी लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे इसी को एक्स प्लस फाइव क्यूब माइनस एक्स माइनस थ्री क्यूब। ये ऊपर पहले प्लस होगा तो प्लस में जो साइन है ना वो चेंज नहीं करते, नीचे जब लिखेंगे तो इसके जो साइन है ना वो टोटली चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी रूल लगाते हैं 13/13 प्लस 14-14, तो ये प्लस वाला माइनस से कट गया, माइनस वाला प्लस वाला से कट गया, ये भी एक दफा है ये भी एक दफा, दोनों मिलके बनेगा 2 टाइम एक्स प्लस फाइव क्यूब ओवर -2 टाइम एक्स माइनस थ्री क्यूब। ये भी माइनस एक, ये भी माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक, माइनस का दो ना कि प्लस का दो। 13 प्लस 14 27/-1, माइनस माइनस से कट गया 2 से कट गया, एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस थ्री इसका क्यूब इकट्ठा कर दिया 27, दोनों तरफ हमने आगे क्यूब रूट लेना है, ये तो कट जाएगा क्यूब क्यूब रूट से, तो बाकी बचेगा एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 3। तो जब क्यूब रूट लें तो प्लस माइनस साथ नहीं लगाते, जब स्क्वेयर रूट लें तब लगाते हैं प्लस माइनस, नीचे खुद से लगाते हैं 1 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x-9 बराबर एक्स प्लस फाइव, तो एक्स वाली अलग की 5 प्लस 9 2x बराबर आ गया 14 के, एक्स 14 को काटा तो 8 की तरह मुझे मिल गया 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमने जो 3.4 है उसका सवाल नंबर 2 मुकम्मल किया। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 और उससे ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेंगे। तो मजीद वीडियोस पे चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन को ऑन ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बार बार पहुंच सके। रखे दो हमें याद, अल्लाह हाफिज।